हाँ, तो मैं नरेंद्र शर्मा प्रमाणा ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए यहाँ पर गांव घोटाना में आया हुआ हूँ। लोकसभा प्रत्याशी कौन चुना जाएगा, ये चुनावी समर के अंदर लोगों की राय क्या है, जानते हैं जनता की बोलती क्या है। हाँ जी भाई, आपका शुभ नाम क्या है जी? विकास। विकास जी, आप अपना परिचय बताएं, जो भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जो भी सदस्य आए अपना नाम, गांव और जो है जिला वो बता दीजिए। मेरा गांव गगाना है, जिला सोनीपत है, और मैं अपनी वोट नरेंद्र मोदी को देंगे और उसको खुल के देनी हमने। अच्छा। और बड़ा अच्छा माहौल था उसका। ऐसा नरेंद्र मोदी को क्यों देंगे? क्योंकि उसके अलावा तो कोई है नहीं, कोई प्रत्याशी जिसको हम देख सकें, और अपना देश का जिसने सर ऊंचा किया वो हमारी रग रगों में फैल गया है, उसका खून भी हम उसका कतरा कतरा बहा देंगे और नरेंद्र मोदी को खुल के वोट देंगे। अच्छा जी, शहर में है या गाँव में? शहर में। अच्छा सर, तो आपके शहर में क्या स्थिति चल रही है जी लोकसभा की? ये स्थिति का पता नहीं, बाकी हम तो मोदी को ही देंगे। मोदी को देने का कारण क्या है जी? तो मोदी है जी, उससे अलग तो वही बात है कोई है ही नहीं प्रत्यक्ष जिसके बारे में सोच सके थोड़ा सा, बाकी सब सिर्फ। आप मोदी को वोट देंगे, बहुत अच्छी बात, आपका अधिकार आप दें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोदी को ही वोट क्यों दी जाएगी? क्योंकि देखो वो ही कर रहा है देश के लिए जो कुछ कर रहा है आज के टाइम में, तो बाकी सब आज तक तो लगा नहीं किसी ने कुछ किया। ठीक है, कोई एक बात बताइए मेरे को मोदी की। देखिए जो आपको अच्छी लगी, पहली बात मोदी जो आसपास के जो देशों में जा रहा है। अच्छा। हमारे लिए जा रहा है, आज तक तो कोई ऐसे गया नहीं, ऐसे मेहनत नहीं की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, गाँव सोनीपत जी, हम मोदी को बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं मोदी को? हम इसके अलावा और किसी को वोट नहीं देंगे। नहीं, वोट तो आपको जिसको मर्जी देना आप दें, लेकिन मोदी को क्यों, उस क्यों का जवाब आप दो ना मेरे को। हम हमारा देश इसी को बताया है। अच्छा, मोदी ने देश को इसने बताया है, देश की सुरक्षा दी है, ये इसलिए जो है मोदी को वोट देना चाहते हैं। धन्यवाद आपका, आपने अपनी राय रखी है। अच्छा जी, वेरी गुड। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव के अंदर आप किसकी तरफ जो है आपका रुझान है वो जानना चाह रहा हूँ। अब की बार सिर्फ मोदी का ही रुझान जाता है, जो हमारे जवानों की और किसानों की तरफ देखते हैं। अच्छा, किसानों को जो 12,000 रुपये जो सालाना आपको प्राप्त हो रहे हैं उसके संदर्भ में? नहीं नहीं, ये तो 12,000 तो ये जी इंश्योरेंस करवाते हैं हम। अच्छा, फसल खराब होती है तो मिलते हैं। अच्छा, वो तो एक बीमा पॉलिसी हो? नहीं, बीमा पॉलिसी अलग हम हो रहे हैं, इन्होंने जो 12,000 रुपये दिए हैं वो किसानों को दिए हैं, जो आपके खाते में 2,000 की एक किस्त आएगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, 2,000 की एक किस्त आती है आपकी गवर्नमेंट केंद्र की तरफ से, तो आप उससे प्रभावित हैं या फसल योजना से प्रभावित हैं या आप उच्च तकनीक को प्राप्त की है? अब जैसे यहाँ पर एक किसान सम्मेलन हुआ था, आपने किसानों की बात करी है, तो किसान सम्मेलन के अंदर है किसानों को एडवांस टेक्नोलॉजी की जानकारी दी, तो क्या आप उससे प्रभावित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, सोनीपत के रहने वाले जी, गाँव के हैं शहर के हैं? कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका? मयूर विहार। अच्छा, मयूर विहार के अंदर क्या माहौल चल रहा है जी? माहौल तो जी ज्यादातर तो मोदी का चल रहा है। अच्छा, मोदी का चल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा? मोरख आदमी होगा जी, जो वोट गिरा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, वो आपके अपने व्यूज हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सिर्फ कि आपका जो है क्षेत्र के अंदर आप मोदी को अगर वोट देना चाह रहे हैं तो मोदी को देने का कारण क्या है? एक तो कारण तो मेरे को बताओ, कोई उसकी तारीफ में है तो कुछ अच्छी बात है तो बता दीजिए, नहीं है तो वोट पार्टी में ऐसा दमदार नेता है ही नहीं। अच्छा, दमदार है वो? बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाँव है सोनीपत जिला है। क्या है जी, कौन सा गाँव है? ईशापुर खेड़ी। ईशापुर, हाँ जी। अच्छा सर, तो आपका गाँव के अंदर कैसी क्या स्थिति चल रही है अब तक? तो मोदी राहुल गांधी की जगह पर ये मोदी को प्रधानमंत्री जो बनाना चाहते हैं, हाँ जी, ये इसका एक खास कारण बताओ मेरे को, कोई भी कारण बताओ। कारण ये आपने भी ने पहले देखा होगा। हाँ जी, क्या था? सैनिक शहीद हुए थे हमारे। अच्छा, उनका बदला लिया ना। तो आप पुलवामा फैक्ट्री से प्रभावित हैं? हाँ जी। तो आपने सेना को जो मजबूती प्राप्त हुई है उससे प्रभावित हैं? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जानकारी दी है। पवन जी।
अच्छा पवन जी अपना परिचय अच्छा सोनीपत जी वोट मोदी को ही देंगे क्योंकि जो पुलवामा में जो हमला हुआ था अच्छा। उसमें किसी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने ही एक ऐसा काम किया था और ईट का जवाब पत्थर से किया जी। मोदी शेर पप्पर शेर ऐसा शेर कभी नहीं मिलेगा। देश को बचा सकता है तो मोदी ही बचा सकता है, ऐसा नहीं मिलेगा दोबारा जिंदगी में। कभी प्रधानमंत्री नहीं आओगे ना कोई आया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे साथ बातचीत की, अपनी राय बेवक राय रखी है। देखिए अभी ये हम बिल्कुल रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं था। कुछ है कि ये साथी हमें यहाँ पर मिले अगल अलग गाँव के थे, कुछ रोहतक के थे, कुछ सोनीपत के थे। इनसे हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर रोकी और सड़क के किनारे ही हमने यहाँ पर इनसे बातचीत करना मुनासिब समझा और इन्होंने जो है अपनी जो राय व्यक्त की है वो सीधी सीधी राय आप तक पहुँचा रहे हैं। इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं होगी, बिल्कुल सीधी जनता की आवाज़। और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कैसा इनका नेता हो, वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून इन जनता के आवाज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए धन्यवाद।